इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अभी जो सहारा फाउंडेशन के जानिब से ओपीडी की शुरुआत की जा रही है, ये मुसलमान गरीब तबके को मद्देनजर रख करके, और बिलखुसूस मुसलमान ही नहीं है जो भी अल्लाह का बंदा आता है, सहारा फाउंडेशन उसकी खिदमत में बिला तफरीके मजहब व मिल्लत पहले से भी ये लोग ये हजरात खिदमत करते आए हैं। कोविड के सिलसिले में भी इनके काबिल सताइश खिदमत रहे हैं। वैसे नाजुक दौर में भी घर घर गुरबा और मसाकिन के यहाँ अनाज पहुंचाना दीगर बहुत सी लंबी तफसील है इनके खिदमत की, मगर आज ये मुस्तकिल तौर पे जो इसकी शुरुआत की गई है, ये हालात हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए इसकी अशद जरूरत है। इल्म ये उम्मत की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए इल्म तो असल कुरान का इल्म है। इलाज के बारे में भी हदीस में जिक्र किया, बीमारी का भी जिक्र किया। हदीस में फरमाया गया कि हर बीमारी है तो उसका इलाज भी अल्लाह ने रखा है। देखिए, हम दवा तो दे सकते हैं, शिफा अल्लाह ही देगा, लेकिन ये नौजवानों की हिम्मत है कि इस जमाने में जब ऐसा बीमारियां दवाइयों के अतबार से जो खाने में इस्तेमाल की जा रही है, तो कम उम्र बच्चों को भी बीमारियां हो रही है और बूढ़े नौजवान बुजुर्ग हर कोई बीमारी का शिकार हो रहा है। और एक तरफ माशी अहवाल, माशी हालात और मईशत का फुकदान, कमाई के रास्तों का ना होना, खर्च का बढ़ना, और एक तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटल जो किसी को बीमारी पर उसका घर बेचने में मजबूर कर रहे हो। कितने कोरोना में ऐसे बीमार थे, किसी की बिल 5 लाख हो रही है, 2 लाख हो रही है, 10 लाख हो गए। एक कैनेडा से एक आदमी आया, अस्पताल में एडमिट हुआ, 18 लाख रुपए बिल भरे, उसके बाद लाश भी दे दी। तो ये कौम किसको सहारा बना ले जब ऐसे हालात हो जाए। एक तरफ माल निकल रहा और बीमारी भी नहीं जा रही है, और एक तरफ अस्पतालों में गले काटने के लिए खड़े हो, और एक तरफ लोग अपना माल लगाकर बीमारी से शिफा चाह रहे हो,
और सामने वाले कोई ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। कि नेकी का कमाल इसमें भी है कि अल्लाह और आखिरत मलाइका फरिश्तों पर ईमान लाए और साथ साथ में मिस्कीनों की, यतीमों की, तंगदस्तों की खिदमत भी करे। ये अल्लाह का फरमान। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, वो अहद है, वो समद है। लेकिन मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह की अयाल है, अल्लाह का कुंबा है। और फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा वो शख्स है जो मखलूक के साथ खैर खाई का मामला करे, भलाई का मामला करे। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउ नास, लोगों में बेहतर कौन है? अभी जाने से खैर सबसे बेहतर कौन है, सबसे अफजल कौन है, सबसे अच्छा कौन है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मन यनफउ नास वो है जो लोगों को फायदा दे। एक डॉक्टर अपने डॉक्टरी की शक्ल में लोगों का इलाज करके फायदा पहुंचाता है। सहारा फाउंडेशन एक बहुत बेहतरीन कदम उठाए हैं और उनको कौम का बहुत बड़ा जज्बा भी है। आजकल के हालत में हमें दुनिया की इल्म और दीन की इल्म की सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हमें हमारी रूहानी ताकत क्या है ना, उसको बढ़ा लेना है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको विल पावर करके, तो वो बढ़ाई के बगैर चुप माहिस होकर बैठने से कुछ नहीं होता और अल्लाह उसको राजी भी नहीं करता। तो उसी लिए आप हिम्मत करना, हिम्मत हारना नहीं है। आजकल के दुनिया और दीन और दुनिया की दोनों इल्म देने से और टाइम की अहमियत रखना है, क्योंकि आज का दिन गैर भी मिलता ही नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू लूज मनी नथिंग इज लॉस्ट, इफ यू लूज हेल्थ समथिंग इज लॉस्ट, इफ यू लूज कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस्ट, लास्ट बट द लीस्ट If you lose time, everything is lost forever. फिर कुछ आता नहीं है। आज का दिन गया ना, फिर आता नहीं है। अल्लाह भी बोलता है कि तुमने अच्छा मौका दिया था, तुमने काम क्यों नहीं किए। तो सहारा फाउंडेशन ने बहुत आजकल की सख्त जरूरत है। अब मौलाना बुजुर्ग सब बोले कि ये डिलीवर करने के लिए एक हॉस्पिटल का कितना खर्चा आता है, क्या आता है, ये है। तो भी कुरान शरीफ में थोड़ा बहुत हमको भी नॉलेज रहने से सूर्य फातिहा में कितनी शिफात है, मगर उसको बिस्तर की छोड़े हैं। आज का दिन बहुत ही खुशगवार दिन है कि आपके इलाके में जो है सहारा फाउंडेशन की जानिब से एक अस्पताल का कायम अमल में आ रहा है। सलमान जब मुझसे गुजारिश की कि हमने एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, आपकी रहनुमाई और मदद की जरूरत है, मैंने लब्बैक कहा और इनके पास आता जाता रहा हूं। ये काबिल मुबारकबाद इसकी मुस्ताहिक इसलिए भी हैं कि उन्होंने अपनी नौजवानी के अंदर एक ऐसी तड़प को उजागर किया है कि यहां के लोगों की खिदमत करें, उनका इलाज करें। देखिए, इंसान की जिंदगी में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सबसे पहले जो है, जैसा ही इस्लाम के हम जब पैरोकार हैं तो हमारे सामने जो है सबसे पहले इल्म की बात आती है, उसके बाद में सेहत का मकाम आता है। अब ये सेहत के दर्जे में जो है हमारे अस्पताल होते हैं। अब हम जो है पिछले 2 साल से कोरोना की वबा से कई लोगों को हमने, अच्छे अच्छे नौजवानों को हमने खोया, बुजुर्गों को हमने खोया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सेहत के शोबे के लिए जो है कोई फिक्र नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिक्र कर रहे हैं और इसके लिए इसके मस्बत नताइज इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे। यहाँ जो कारखाने नुमायां आपके सामने पेश हो रहे हैं, मैं उस पर यही कहूंगा कि करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो ये जो मैंने एक शेर आपके सामने पेश किया, ये
कुरान भी यही पैगाम देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी यही पैगाम देती है और अहादीस के जरिए बारहा हमें ये सबक दिया गया है कि हम जो है खिदमत खल्क को अपना सेवा बनाए। और आप ये भी याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने के पीछे ही यही मकसद था कि हम जो है खिदमत खल्क को अपना सेवा बनाए। और खिदमत खल्क से मुराद, मैं मुसलमान हूं तो मुझे सिर्फ मुसलमान की खिदमत करना नहीं है, बल्कि मुसलमान का ये सेवा है कि वो जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सभी की खिदमत करना ये खिदमत एक खल्क का मकसद है। हमारा फाउंडेशन, जब सलमान भाई मेरे ऑफिस पे आए तो बोलने लगे कि शकील भाई हम लोग एक ओपीडी क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि फ्री क्लिनिक रखेंगे। मैं बोला सलमान भाई ये गलत है, फ्री क्लिनिक तो आदमी क्या है, आजकल एक साइकोलॉजी होके बैठी है आदमी लोगों को, सबको, कि हमारे कॉमन पब्लिक को, कि जो पैसा ज्यादा जाएंगे वहाँ अच्छा अपना ट्रीटमेंट होगा, जो पैसा नहीं कम लेगा वहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि ये साइकोलॉजी आप जो है कि जहाँ पैसा ज्यादा लगा तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट होगा, ऐसा नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि एक छोटा सा एक अमाउंट रखेंगे, वो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अपन एक 10 रुपए जैसा एक अमाउंट रखेंगे, एटलीस्ट एक हमारे फाउंडेशन को एक हेल्प हो जाए। तो एक हेल्प है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 रुपए एक कुछ भी नहीं है, 10 रुपए तो एक कॉमन आदमी क्या अफोर्ड इट 10 रुपए, तो आप इसको ज्यादा भी डाउन कर सकते हैं। और ऐसे आप ये मत सोचो कि वहाँ 10 रुपए का क्लिनिक है तो वहाँ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता, ये आपके दिमाग से निकालिए। सारा फाउंडेशन जो 10 रुपए रखा है उसका वो ट्रीटमेंट भी आपको सही ही करेंगे। आप ऐसे लगेंगे वैसे तो क्लिनिक बहुत है तो लोग आप 50 रुपए 100 रुपए चार्ज करते हैं, बट आपके दिमाग से निकालिए ये एक क्लिनिक जो हमने 10 रुपए निकाली है, ये आपकी सही ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ सही में जो भी उन्होंने इतने जो एम्बुलेंस सर्विसेज और जो ब्लड डोनेशन कैंप, ये वैक्सीनेशन कैंप्स, ये इसलिए रखे हैं कि हमारे पूरे कॉमन उज्ज्वल नगर के पूरे मेंबर्स को उसका हेल्प हो जाए और ये उसे फायदा हो। और जो आगे जो क्या करना है हमारे कॉम को, और सहारा फाउंडेशन का क्या एम है, किस मकसद से और किस फ्यूचर प्लान से इन्होंने स्टार्ट किया है, आप पहले समझ लीजिए। मेरा बोलने का मतलब यही है, ये फ्री क्लिनिक मतलब आप लोगों को दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि फ्री क्लिनिक है जाना है, जैसे मेरे भाई साहब ने बताया कि वहां इलाज नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं है। यह हमारे कौम के लिए बस यहां से एक शुरुआत है, इसके आगे जो सहारा फाउंडेशन के जो व्यूज हैं, जो हम उनसे डिस्कस किए हैं ऑफिस में, जैसे सलमान भाई, इनके भाई फिरोज भाई इनके साथ, तो इनके व्यूज बहुत बड़े हैं। आप ये मत सोचिए 8x10 का क्लिनिक है बस इतना ही यहाँ पे एंड हो जाएगा, सहारा यहाँ पे एंड नहीं होगा, इसके आगे बहुत से फ्यूचर प्लान्स हैं जो हम बैठ के डिस्कस किए हैं और आगे हॉस्पिटल इंशाल्लाह करेंगे करके इरादा किए हैं। आप लोगों दुआ कीजिए, आप लोग हर एक काम में आप हाथ बिठाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए कि आगे वो कुछ कर सके। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और इंशाल्लाह जैसा कि हमने एक क्लिनिक स्टार्ट किया है, आने वाले दिनों में हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें भी कम से कम पैसों में इलाज होगा।